नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। और आज अपने पिटारे में फिर आपके लिए एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। 2022 यानी ये साल जाने की कगार पे खड़ा हो गया है और हर साल अपनी कुछ खट्टी मीठी यादों को अपने आप में समेटे हुए रहता है। हालांकि इसकी बातें थोड़ी सी बाद में करूँगा, लेकिन जाता साल है तो ये कहानी, ये लाइनें तो शुरुआत में आ जाए तो ही बेहतर है। आज आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुना रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ही कमाल के थे वो राजा। उन्होंने नर्मदा को रोकने की कोशिश की, माँ नर्मदा उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन नर्मदा तो अंततः आखिरकार नर्मदा है, जीवनदायिनी है, शिवपुत्री कही जाती हैं, उनका मार्ग कोई कैसे रोक सकता है। तो आखिरकार नर्मदा नहीं रुकती हैं और आज इसी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और अपनी कहानी को मैंने नाम दिया है हज़ार हाथों वाले से भी नहीं रुकी नर्मदा। तो बात यूँ है कि प्राचीन काल में एक राजा हुए हैं, उनका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सहस्त्रबाहु, सहस्त्र यानी हज़ार, बाहु यानी भुजाएं, हज़ार हाथों वाले राजा, उनका पूरा नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। तो नर्मदा चली आ रही थी, सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत वीर थे, उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं अपने क्षेत्र से नर्मदा को नहीं जाने दूंगा, नर्मदा को रोक लूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये संभव नहीं हुआ, ये संभव हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो नर्मदा थी। उनका वेग, भले ही सहस्त्रबाहु अर्जुन बहुत वीर रहे हों, बहुत प्रतापी रहे हों, लेकिन नर्मदा से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। तो अंततः नर्मदा उन्हें फाड़ कर निकल जाती हैं। और वो जब हज़ार भुजाएं थी उनकी, तो सब भुजाओं से उन्हें रोकने की कोशिश की, तो नर्मदा जब फाड़ के निकलती हैं तो कई धाराओं में बट जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही है, इस स्थान को सहस्त्र धारा कहा जाता है, गजब की जगह है। यहाँ पर नर्मदा की कई धाराएं हैं और नर्मदा रुकी नहीं, अविरल बहती रही। सहस्त्रबाहु अर्जुन की एक और कहानी मिलती है। एक बार रावण ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को जीतने का मन बनाया कि मैं इनके नगर को, इनके साम्राज्य को जीत लूंगा। रावण आता है तो रावण ने जब नर्मदा को देखा, नर्मदा के सौंदर्य को देखा, तो यहाँ तप करने का मन बना लिया। रावण शिव भक्त हैं, ये बात किसी छिपी नहीं है, वो तप कर लेते हैं, तप करने बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि नर्मदा में सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं, और खेल खेल में सहस्त्रबाहु अर्जुन नर्मदा को रोक लेते हैं। ऐसा पौराणिक कथा है, कई हाथ थे उनको, एक हाथ यहाँ लगाया, एक हाथ यहाँ लगाया, इस तरह से उन्होंने नर्मदा को रोक लिया। रावण के कई दूत चारों तरफ घूम रहे थे। अब दूत घूम रहे थे तो जब उन्होंने देखा कि यार ये कौन है यार, जिसको जीतने आया है हमारा राजा, जिसको त्रिलोकाधिपति, जिसको जीतने आया है, वो इतना बलशाली है कि एक नदी को रोक ले रहा है, नर्मदा को रोक ले रहा है। तो उन्होंने बात राजा को बताई, यानी कि रावण को बताई। रावण ने कहा अभी युद्ध होगा इनसे, तब मैं बाद में करूँगा, पहले मैं सहस्त्रबाहु अर्जुन को हराऊंगा। तो ललकारते हुए रावण आते हैं, सहस्त्रबाहु को ललकारते हैं। यहाँ पर युद्ध होता है, युद्ध तो होता ही है, सहस्त्रबाहु अर्जुन रावण को जकड़ लेते हैं, बाहुपाश में जकड़ लेते हैं, हरा देते हैं और बंदी बना देते हैं। और इसके बाद रावण छूटते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती रावण के परिवार को। रावण के जो दादा हैं, यानी कि मुनि विश्वशवा के पिता, रावण के पिता हैं ऋषि विश्वशवा, और विश्वशवा के पिता मुनि पुलस्त्य, तो मुनि पुलस्त्य गुहार लगाते हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन से
साथी मेरे पोते को मेरे नवासे को छोड़ दीजिए। और पुलस्त ऋषि के कहने पर सहस्त्रबाहु अर्जुन रावण को छोड़ देते हैं। एक बार सहस्त्रबाहु महिष्मति के मार्ग से कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि विष्णु के अवतार कहे जाने वाले परशुराम उनके पास उन्हें आते हुए दिखाई दिए। परशुराम जी की मंशा जो थी वो सहस्त्रबाहु से युद्ध करने की थी। इस बात को सहस्त्रबाहु अर्जुन भांप गए। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन को कुछ और करना चाहिए था, लेकिन शायद उन्होंने गलत निर्णय ले लिया और उन्होंने कहा मैं युद्ध करूंगा परशुराम से। परशुराम, ग्रेट परशुराम, मतलब उनके बारे में, उनके शौर्य के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में क्या ही कहा जाए। स्वयं देव भी थर्राते हैं परशुराम से युद्ध करने में। माना कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे, लेकिन हाथ होना और परशुराम होना, इन सब में बहुत अंतर है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने परशुराम से युद्ध के लिए अपनी पूरी सेना भेज दी कि पहले तो आप इनसे लड़ लो, वो परशुराम है। परशुराम ने पलक झपकते ही उनकी पूरी सेना का सफाया कर दिया। कही चुका हूं परशुराम। इसके बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन को लगा कि सेना ठीक है, लेकिन अब मैं युद्ध के लिए जाता हूं। परशुराम से युद्ध के लिए स्वयं सहस्त्रबाहु अर्जुन आ गया। परशुराम जी ने भी पलक झपकते उसकी हजारों भुजाएं काट डाली और उसे मृत्यु की नींद सुला दी। सहस्त्रबाहु अर्जुन मौत की नींद सो गए। होना ही था। कालांतर में जब ये बात सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों को पता लगी, तो उन्होंने परशुराम जी के परिवार से, परशुराम जी से बदला लेने का सोचा। और होता ही है, जब आप बदले की अग्नि में, बदले की ज्वाला में जल रहे होते हैं, तो फिर सही गलत का भान नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आप अपना बदला लेना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। वही हुआ। तो ये लोग सहस्त्रबाहु अर्जुन के बेटे एक कदम और आगे बढ़ गए और इन्होंने ऋषि जमदग्नि को मार दिया। ऐसी कथा मिलती है। ऋषि जमदग्नि यानी परशुराम के पिता, इनको मार दिया। जब परशुराम को ये सब पता लगा तो परशुराम क्रोध की दावानल में जलने लगे, मतलब प्रचंड क्रोध। और उन्होंने धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। ये तो कथा नोन ही है, सभी जानते ही हैं कि परशुराम ने धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लेकिन इसके पीछे कहानी ये है कि क्यों उन्होंने विहीन किया। सहस्त्रबाहु अर्जुन को मारने के बाद जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद परशुराम ने धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन महिष्मति के राजा, महिष्मति यानी मंडला। और महिष्मति दो हैं भारत देश में, एक महिष्मति यानी महेश्वर नगरी को हम कहते हैं, एक महिष्मति यानी हम मंडला को कहते हैं। और दोनों की ही एक सर्व प्रमुख खास बात यह है कि दोनों के दोनों नर्मदा के तट पर बसी हुई हैं, नर्मदा तीरे ही हैं। यूं तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती हैं, लेकिन नर्मदा के निकलने की, नर्मदा के उद्भव की एक और कहानी शंकर से भी जुड़ी हुई है, भगवान शंकर से भी जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, दुनिया को जला देने वाला हलाहल, और उसे शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। अब शिव हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, देवाधिदेव हैं, कोई पारावार नहीं है उनका, ना आदि ना अंत, अनादि हैं वो। लेकिन जहर तो जहर है, उन्हें भी थोड़ा सा कष्ट हुआ और उनके शरीर में भी जलन हुई। और इस जलन को दूर करने के लिए वो हिमालय की तरफ बढ़ते हैं समुद्र से। जब वो हिमालय की तरफ जा रहे हैं तो मैकल श्रृंखला पर्वत श्रृंखला यहाँ से जब वो गुजर रहे थे तो उन्हें ठंडक का एहसास हुआ, यानी अमरकंटक इलाका रहा होगा वो, उन्हें ठंडक का एहसास होता है। और यहीं पे वो
तप करने के लिए रुक जाते हैं। जैसे ही तप करने रुकते हैं वो, तो शिव के पसीने से एक बालिका का जन्म होता है और यही बालिका नर्मदा नदी कहलाए। फिर सभी देव शिव का हालचाल लेने आए, तो सभी देवता हालचाल लेने आते हैं तो वो नर्मदा को, उस नई पुत्री को भी आशीर्वाद देते हैं कि आप जगत का कल्याण करें और आपसे जगत का कल्याण हो। गंगा भी आती हैं और गंगा ने भी नर्मदा को आशीर्वाद दिया और कहा कि मुझ में स्नान करने के बाद लोगों के दुख दूर होते हैं, उनके पाप कटते हैं, तुम्हारे तो सिर्फ दर्शन से ही सबके पाप नष्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, सब स्वस्थ हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। और ऐसा है भी, नर्मदा किनारे के जो जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी स्थल हैं, आप वहाँ जाकर देखें, एक अभूतपूर्व शांति मिलेगी आपको, एक ज़बरदस्त किस्म की रमणीयता मिलेगी आपको। ऐसा ही है नर्मदा का महात्म्य। और यही थी आज की मेरी सहस्राहु अर्जुन और नर्मदा की कहानी। जब सभी देवी देवताओं ने नर्मदा को आशीर्वाद दिया तो भगवान शंकर ने भी नर्मदा को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे तट का हर कंकड़ हर पत्थर में मेरा अंश होगा, यानी कि हर कंकड़ हर पत्थर शंकर कहलाएगा। और यकीन मानिए, नर्मदा के तट पर हर पत्थर नर्मदेश्वर कहलाता है। इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। दोस्तों, भारत देश में प्रकृति और ज्ञान का खजाना बिखरा पड़ा है, भंडार बिखरा पड़ा है, लेकिन हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं होता। और जहां हम पहुंच जाते भी हैं तो हम सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, उस स्थान को देखने के लिए जाते हैं, उस स्थान की कई बार हमें वास्तविकता का पता नहीं होता उसकी, कि वो वहाँ पर क्यों है, उसकी ऐतिहासिकता क्या है, उसकी भौगोलिकता क्या है। हम सिर्फ घूम के चले आते हैं, क्या करें, हमारे पास भी समय सीमित होता है, हमारे पास भी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन भारत तो भारत है, जहाँ चले जाइए एक नया इतिहास आपका इंतज़ार कर रहा होता है। और 2022 भी अलविदा कहने को बस तैयार ही है। बस कहानी सुनेंगे आप और कुछ घंटों बाद अगला साल आ जाएगा, 2023 आ जाएगा। 2022 में कुछ जहां बहुत कुछ कर गुजरने की खुशी है, तो वहीं कुछ ना हो पाने का मलाल भी है। ऐसा होता है यार, ये भी हो जाता है यार, ये वो भी हो जाता है। हम इंसान हैं, हम सेटिस्फाइड तो होते नहीं, संतुष्टि तो है ही नहीं, ये भी लगा रहता है। हर साल गुजरता है तो एक नई चीज़ और उमड़ती है, साल खत्म होते होते ये भाव आता है। कुछ रेजोल्यूशंस लेने का मन में चलता रहता है कि यार इस बार ये करना है, इस बार ये कर गुजरूंगा ही, चाहे कुछ हो जाए, बहुत हो गया। लेकिन बुरा मत मानिएगा, जो हम ठानते हैं 31 को, वो पहला हफ्ता खत्म होते होते ही ध्वस्त हो जाता है, उसका नामो निशान ही बाकी नहीं रहता। और वजह बस इतनी सी होती है कि हम कमिटमेंट खुद से करते हैं और खुद से किए गए कमिटमेंट का कोई कहीं पर हमें किसी को हिसाब नहीं देना होता। आप बैंक से लोन लेते हैं, आप किसी से कुछ वादा करते हैं, आपको ऑफिशियली कुछ करना होता है, ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जो आप खुद के लिए रेजोल्यूशंस लेते हैं वो ध्वस्त होने में एक सेकेंड्स भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको उनको लेकर किसी को कोई जवाब नहीं देना होता, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये जो रेजोल्यूशंस आपके ख़त्म हो जाते हैं स्वतः और आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। बस नया साल आने वाला है तो मैं कैसे शांत रह सकता हूँ और मेरे किशोरदा कैसे शांत रह सकते हैं।
तो आज भी आपको उनका एक गाना सुनाऊंगा, आज के हिसाब से, आज के लिहाज से मौजूद भी है, अवस्था भी है, तो गाना सुनिए, इंजॉय कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।